मैंने आटा का हलवा बनाने के लिए एक कटोरी घी, एक कटोरी आटा, एक कटोरी चीनी, कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। चलिए हम आटा का हलवा बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन को गर्म कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें एक कटोरी घी डालूंगी। जितने क्वांटिटी में मैंने घी, आटा और चीनी लिया है उतनी क्वांटिटी में आप 4-5 लोग के लिए आराम से हलवा बना सकते हो। आप देख सकते हो घी की क्वांटिटी मैंने कितना ज़्यादा रखी है। आप घी में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, जितना हो आप उस घी डालना। घी गर्म होने के बाद हम इसमें आटा डालेंगे। मेरा घी गर्म हो गया और यहाँ पे हम आटा ऐड करेंगे। आप देख सकते हो मैंने आटा डाल दिया है। फिर मैं धीमे धीमे हाथों से आटा को पूरी तरह से अच्छी तरह मिलाऊंगी घी में, अच्छी तरह मिक्स करूंगी। आप देखना धीमे धीमे हाथों से मैंने कैसे आटा को मिक्स किया है घी में। अच्छे से हम चलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे घी में आटा। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक चलाएंगे। आप हाई फ्लेम बिल्कुल मत करना, नहीं तो जलने का हलवा जलने का डर रहेगा। इसलिए आप देख सकते हो कैसे मैंने चलाया है। मेरा यहाँ पे देख सकते हैं घी आटा कितने अच्छी तरह से मिक्स हो गया है एक दूसरे में। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट तक आप चलाना अच्छी तरह से, हाई फ्लेम बिल्कुल मत करना। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें इसे हल्के हल्के करके चलाना है। गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। देख सकते हैं गाइस कितना ब्यूटीफुल कलर हुआ है, कितना सुंदर कलर दिख रहा है। ये हलवा बहुत ही यम्मी लगता है गाइस, आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही यम्मी है, बहुत टेस्टी लगता है। फिर मैंने इसमें एक कटोरी चीनी डाल दिया है। चीनी की क्वांटिटी भी मैंने ज़्यादा रखा क्योंकि हलवा है तो थोड़ा मीठा तो बनता ही है। आप अगर चाहो तो कम भी चीनी डाल सकते हो, बट मुझे पसंद है हलवा में मीठी ज़्यादा। मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। चीनी को तब तक मिलाएंगे जब तक वो अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अब मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दूंगी। पहले मैं थोड़ा सा हाफ ग्लास पानी डाली हूँ। अगर जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा कि लगे कि हाँ और पानी की ज़रूरत है तो मैं पूरे 1 गिलास पानी डाल दूंगी। अच्छी तरह से आप देख सकते हो इसे धीमे धीमे करके हम मिलाएंगे। अब मैं बचे हुए वाटर भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। इसमें ज़्यादा पानी आप एक ही बार मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना। गाइस अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देख सकते हो आप पानी कैसे ऑब्जर्व हो गया है हलवे में। बस ऐसे ही बस 2-3 मिनट तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक पानी पूरा ऑब्जर्व ना हो जाए हलवे में। देख सकते हो कितना अच्छा कितना सुंदर लग रहा है हलवा देखने से। और घी की क्वांटिटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। आप चाहो तो और भी घी ऐड कर सकते हो, जितना चाहे आप ऐड कर सकते हो, पर मुझे लगता है इनफ है इतना घी। बस अब हलवा बन गया हमारा। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमें पसंद है। जो आपको पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देना। मैंने ड्राई फ्रूट्स जो मुझे पसंद है मैंने इसमें डाला है। मैंने ड्राई फ्रूट्स को कट नहीं किया है, मैंने ऐसे ही बस डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स को। आप चाहो तो भून के भी डाल सकते हो, चाहे कट करके भी डाल सकते हो, मैं ऐसे ही डाल दी हूँ। बस ये हमारा लास्ट स्टेप था। इसके बाद हम थोड़ा देर बस मिलाएंगे अच्छे से, हाई फ्लेम पे थोड़ा सा मिला लेंगे इसे हम। बस हलवा अब रेडी हो गया। गाइज अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देख सकते हो कितना टेस्टी कितना यम्मी दिख रहा है। मैं इसे कटोरी में निकाल ली हूँ और मैं बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को इसमें ऐड कर दी। थैंक यू, बाय बाय।